हाय बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कुछ बच्चे 10th वाले परेशान हैं, जिनका रिज़ल्ट अनाउंस होना था, बट अनफॉर्चुनेटली 22 तारीख को होना था बट नहीं हुआ। और 12th वाले भी परेशान हैं, क्योंकि उनका भी रिज़ल्ट अभी बीच में अटका हुआ है। तो 10th वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हों, मैं आपको बता दूं, आपका रिज़ल्ट आज 23rd हो गया, आज तो नहीं आया, 25 को आ जाएगा। ठीक, 24 25 25 तक आ जाएगा। 25 तक आप वेट करिए, बिल्कुल 25 तक आने के चांसेस हैं। 10th का रिज़ल्ट तो 25 तक डिक्लेयर हो जाएगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास 12th रिज़ल्ट, तो 12th के रिज़ल्ट में देरी हो सकती है थोड़ा सा। 31st को भी आने के चांसेस हैं, बट थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, क्योंकि अभी सारे स्कूलों के रिज़ल्ट प्रॉपर CBSE बोर्ड तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे कुछ स्कूलों ने जो क्राइटेरिया CBSE बोर्ड ने अनाउंस किया था कि आप इस तरीके से रिज़ल्ट बनाइएगा, वो इन लोगों ने कुछ स्कूलों की वजह से वो रिज़ल्ट अभी नहीं सही ढंग से अपलोड हो पाया है, नहीं बन पाया है। तो जिसकी वजह से अभी CBSE ने 12th के रिज़ल्ट पर उतनी जल्दीबाजी नहीं दिखाई है, बट हाँ, 10th का रिज़ल्ट प्रिपेयर्ड हो चुका है। तो 24 तारीख जहाँ तक है, कल ISC बोर्ड का रिज़ल्ट आ रहा है, परसों CBSE बोर्ड का 10th का रिज़ल्ट आ जाएगा। कल ICSE का 10th का रिज़ल्ट आ रहा है, और 12th के रिज़ल्ट पर अभी थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। आप लोगों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्यों परेशान हो रहे हो आप सभी लोग? ठीक है, तो रही बात 10th वाले बच्चे, तो बिल्कुल नर्वस ना हो। CBSE बोर्ड वाले बच्चे तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी 22 तारीख तक आना था, वो नहीं हुआ है, 25 तारीख को आ जाएगा। और ISC बोर्ड वाले बच्चे कल रेडी रहिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बढ़िया। हमें पता है रिज़ल्ट आपका अच्छा होगा, बेहतर होगा, और अच्छे से अब जैसे रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए, आप अपनी 11th की तैयारी में बिना किसी सोच संकोच के लग जाइएगा। क्योंकि बच्चे, यही 2 साल आपको मिलेगा आपके फ्यूचर को बनाने के लिए। तो कैसे करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये डिपेंड आप पर करता है। तो बेहतर होगा आप अच्छे से रिज़ल्ट के बाद खुशियाँ मनाइए, और उसके बाद दिल दिमाग सब लगा दीजिए 11th 12th पर, फोकस करिए तैयारी के लिए। सेम मैं 10th वाले बच्चों के लिए भी कहूँगा कि परसों आपका रिज़ल्ट आ रहा है, परसों आ जाए, और रिज़ल्ट के बाद आप भी अपने आप को पूरी ताकत से 11th और 12th की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि 11th आपके लिए बेहद बहुत ज़रूरी है बेटा। बेस है, होता है हमेशा कंपटीशन का 11th 12th। तो जितना बेहतर आप अपने आप को तैयार करोगे, उतना अच्छा होगा। तो मैं यही आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल परेशान तो ना होइएगा, ठीक है, अपने इस रिज़ल्ट को लेके। कुछ भी आए, जो भी आपका रिज़ल्ट आने वाला है, वो अच्छा हो, थोड़ा बहुत कम हो या ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, क्योंकि रिज़ल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। ये हकीकत है, रिज़ल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आपको एक कह सकते हो म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ज़रूर देता है कि हाँ, आपने जो भी एफर्ट डाला है, आपके थ्रू जितना भी एफर्ट हुआ है, वो कितना बेहतर हुआ है। तो सबसे मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप अपने रिज़ल्ट को लेकर नर्वस मत होइएगा, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। और आपको 11th 12th में अच्छा बेहतर करना होगा, रिज़ल्ट कम आए ज़्यादा आए डजेंट मैटर, लेकिन आपको 11th 12th में बेहतर करना होगा। तो चलिए, मैं 25 तारीख को और कल ISC बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक बार पहले से ही मैं बधाई देना चाहूँगा, और मैं फिर से आगे लाइव आपको बधाई दे दूँगा और रिज़ल्ट के बाद। तो अभी आप लोग बिल्कुल परेशान होइएगा, कुछ बच्चे बार बार चूँकि मैसेज कर रहे थे, जिस वजह से मुझे आके आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी, और मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ। वैसे मेरी लाइव क्लासेस तो चली ही रही हैं, बट ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। तो सभी लोग ठीक है, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, शरीर का ख्याल रखिएगा और खुद का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट अभी से मैं आपको कह रहा हूँ, और ठीक है, मिलते हैं आपके रिज़ल्ट के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।